चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और परेशान नहीं होना, आज वाला जो लेक्चर है ना वो इतना लंबा भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। पीछे वाले लेक्चर जिसने लिए हुए हैं उसके लिए तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है उसके लिए। देखिए, हम पढ़ रहे थे एम्ब्रियोलॉजी, जनरल एम्ब्रियोलॉजी, तो उसमें हमने सब कुछ देखा। अब आज हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ये पीछे भी हम देख चुके हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा कैसे होते हैं, इम्प्लांटेशन कैसे होती है। आज उसी को बस जरा डिटेल में करना है। इसके दो लेक्चर्स बनेंगे, एक आज लेक्चर कर लेते हैं, एक आधा कल कर लेंगे, सही है। और ये छोटा सा लेक्चर है, कोई बड़ा नहीं है। अच्छा, होता क्या है, ये एक तरह का रिव्यू भी है आपकी पूरी जनरल एम्ब्रियोलॉजी हमने पढ़ी है, और ये डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा में आपको ये कंसेप्ट पता भी होने चाहिए। देखें जरा, वो कहता है इधर ओवरी, ओवरी से एग रिलीज हुआ, इधर एग, और यहाँ से स्पर्म आया, और स्पर्म और एग की आपस में जब फ्यूज हुए तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्लीवेज स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी? क्लीवेज, यही पढ़ा है ना हमने। क्लीवेज में सबसे पहले डे वन पे वन सेल स्टेज, डे वन पे वन सेल स्टेज, डे टू पे टू सेल स्टेज, फिर डे थ्री पे फोर सेल, एट सेल एंड 16 सेल स्टेज होता है। डे थ्री पे ये सबको याद आ रहा होगा, डे थ्री पे 16 सेल स्टेज होता है, इसको हम मरूला बोलते हैं, 16 सेल स्टेज पे। फिर और आपको पता है अभी इसके इर्द गिर्द जूना पैलेसूडा भी है, भले 16 सेल स्टेज है, इसके इर्द गिर्द अभी भी ये देखिए पिंक वाला ये जूना पैलेसूडा लेयर अभी तक है, 16 के इर्द गिर्द भी जूना पैलेसूडा लेयर है। फिर उसके बाद 16 से एट द एंड ऑफ डे थ्री 32 सेल बन जाते हैं, ग्रेटर देन 32 सेल स्टेज। जब ग्रेटर देन 32 सेल स्टेज होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस्ड मरूला। और एडवांस्ड मरूला मैंने कहा था अब वो यूट्रस में इंटर हो चुका होता है। अब जब वो ग्रेटर देन 32 सेल्स होते हैं, 16 प्लस या 32 सेल्स, अब इसमें क्या चेंजेस आती हैं? अब इसमें ये चेंजेस आती हैं कि इसमें दो तरह की लेयर्स बनती हैं। पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले बेसिकली ये लेयर्स बनती क्यों है, क्योंकि अब यूट्रस में जो पानी जो H2O पड़ा होता है, वाटर पड़ा होता है, वो वाटर जूना पैलेसूडा को क्रॉस करके, क्योंकि जूना पैलेसूडा डे 5 पे क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो जो H2 होता है वो H2O इस जूना पैलेसूडा के जरिए इंटर होता है आपके एडवांस मरूला में। ये ब्लास्टुला बन रहा है, ब्लास्टुसे स्टोरी है। तो जब वाटर इंटर होता है तो तीन तरह की चीजें बन जाती है, मैंने आपको बताया हुआ है। तीन तरह की चीजें कौन सी? ये अगर जूना पैलेसूडा है तो सबसे पहले कुछ सेल्स जो है ना वो इस तरह आउटर लेयर में चले जाते हैं, इस तरह बिल्कुल आउटर लेयर में, इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर सेल मास। और कुछ सेल्स एक जगह पे अंदर अपने आप को ऐसे इकट्ठे स्टॉक बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। और जो वाटर अंदर इंटर हुआ था, ये वाला जो वाटर अंदर इंटर हो रहा है जूना पैलेसूडा के जरिए, वो वाटर जो बाकी चीज रहती है वहां पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है। तो इधर क्या है? H2O है, ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई आपकी। तो अब जो आपका एडवांस्ड मरूला है वो कन्वर्ट होकर क्या बन चुका है? ब्लास्टोला। क्या बन चुका है? ब्लास्टोला। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोलेशन, ब्लास्टोला, या फिर ब्लास्टोसिस्ट भी इसको कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आपको पता है कि जो आउटर सेल मास है, आउटर सेल मास से क्या बनेगा? ट्रोफोब्लास्ट, सबको पता है इससे क्या बनता है? ट्रोफोब्लास्ट। और फिर ट्रोफोब्लास्ट की दो लेयर्स बनती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और दूसरी लेयर कौन सी होती है? सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। अब जिन्होंने लेक्चर लिया हुआ है उनको मसला नहीं हो रहा होगा, कुछ भी मसला नहीं हो रहा होगा। अब फिर आपको पता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं? इम्प्लांटेशन करते होते हैं। क्या करते होते हैं? इम्प्लांटेशन। और इसी से जो है ना वो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होती है, ये प्लेसेंटा बनाते होते हैं। तो आज मैं आपको इसी को डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होती है। अच्छा, दूसरे हमारे पास कौन से रह गए? इनर सेल मास। अब ये इनर सेल मास क्या करते हैं? इनर सेल मास आपको पता है दो लेयर्स बनती हैं, एपिब्लास्ट एंड हैपोब्लास्ट। अब ये एपिब्लास्ट और हैपोब्लास्ट, अब इनसे मजीद तीन लेयर्स बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और फिर इन तीनों लेयर से हमने कहा था कि पूरी बॉडी बनती है, डिफरेंट चीजें ऐसे ड्राइव होती है और पूरी फीटस की पूरी बॉडी बन जाती है। तो ये मैंने पूरा एक रिव्यू दे दिया, इसको फिर सुन लें कि फर्टिलाइजेशन हुई, डे वन पे वन सेल स्टेज, डे टू पे टू सेल स्टेज, डे थ्री पे फोर सेल, एट सेल, 16 सेल स्टेज। जब 16 सेल स्टेज होगा उसको हम मरूला बोलेंगे, फिर ग्रेटर देन 32 सेल स्टेज इसको एडवांस्ड मरूला बोलेंगे, और ये यूट्रस में इंटर हो चुका होगा। अब एडवांस मरूला में वाटर इंटर होगा अंदर, जैसे ही वाटर इंटर होगा तो तीन तरह की पार्टीशन होगी, एक सेल्स ये किनारों में, इसको आउटर सेल मास, एक ये एक जगह पर इनर सेल मास, और ये वाटर जो इंटर होगा उससे फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी एक जगह पर, तीन चीजें। अब जो आउटर सेल मास है
उससे क्या बनेगा? ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स होंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेंसिटोट्रोफोब्लास्ट। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंसिटोट्रोफोब्लास्ट से क्या होती है? इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा होती है। उसको मैं आज बताता हूँ डिटेल में कैसे होती है। दूसरा इनर सेल मास, इनर सेल मास से दो लेयर्स बन जाती हैं, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब जो एपिब्लास्ट है उससे तीन लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और उसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि इससे किस तरह पूरी बॉडी डेवलप होती है, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म और मीजोडर्म से। आज बेसिकली जो हमने पढ़ना है वो हमने ये पढ़ना है कि जो चीज़ें बाकी रहेगी उनको हमने छेड़ना है। चीज़ क्या बाकी रह गई थी? हमने भाई इसको नहीं छेड़ा था, किसको? ये हाइपोब्लास्ट। सब कुछ एपिब्लास्ट से बन रहा था, एपिब्लास्ट से हमने कहा था कि कुछ भी नहीं बन रहा, लेकिन आज हम देखते हैं हाइपोब्लास्ट भी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो आज हम देखते हैं हाइपोब्लास्ट कैसे इन्वॉल्व है, और ये हाइपोब्लास्ट की मदद से ये इम्प्लांटेशन और ये ट्रोफोब्लास्ट की मदद से ये इम्प्लांटेशन कैसे होती है, आज हमने ये चीज़ देखनी है। तो ये मैंने अभी आपको प्री इम्प्लांटेशन पढ़ा लिया है कि इम्प्लांटेशन से पहले, ये प्री इम्प्लांटेशन कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं ये डायग्राम दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। बताया मुझे, रिस्पॉन्स करें जूम पे, मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, मैं बाद में आगे जाऊँगा, मैं इसको साफ ही बाद में करूँगा। बताया मुझे, चलें जी, डॉक्टर सदाम कहते हैं समझ आ गया, चलें मोर देन इनफ। अब मैं इसकी आपको थोड़ी सी रीडिंग भी करा देता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। और ये आपकी पूरी एम्ब्रियो की रिव्यू भी हो गई है, जनरल एम्ब्रियो जो हमने इतने लेक्चर्स में पढ़े थे, 6-7 लेक्चर्स हमने किए थे, उसको मैंने रिव्यू भी दे दिया। चलिए इसकी रीडिंग देखें जरा। वो कहता है फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द एम्पोला, ये तो सबको पता है कि वो एम्पोला में होती है फर्टिलाइजेशन, फलोपियन ट्यूब की, फॉर्मिंग द जायगोट, जायगोट बनता है, दैट इज कवर्ड बाय जूना पेरासूटा, सबको पता है। द जायगोट स्टार्ट्स डिवाइड, क्लीवेज होती है, 2 सेल स्टेज होती है, 4 सेल स्टेज होती है, 8 सेल स्टेज होती है, 16 सेल स्टेज जब होती है उसको मरूला बोलते हैं, एंड ग्रेटर देन 32 सेल स्टेज दैट हैज नाउ एंटर्ड द यूट्रस, इसको हम एडवांस मरूला बोलते हैं, दैट इज स्टिल सराउंडेड बाय द जूना पेरासूटा, मरूला टर्न्स इनटू ब्लास्टुला एज। अब ये मरूला ब्लास्टुला में कैसे जाता है वो देखें जरा, उसको देखें। अब देखें, लॉट्स ऑफ वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग इन टू द एडवांस्ड मरूला एंड इट फॉर्म्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्लास ब्लास्टोसील, और ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है ना इसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं, आउटर सेल मास, इनर सेल मास और फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। सम सेल्स ऑफ द मरूला फॉर्म द आउटर सेल मास दैट डिफरेंशिएट्स इनटू ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, इसको आज हमने डिटेल में देखना है। सम अदर ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म द इनर सेल मास दैट डिफरेंशिएट्स इनटू एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट डेवलप्स इनटू एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म दैट फॉर्म द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द फीटस, पूरी बॉडी ऐसे बनती है। तो आई होप सो दैट कि ये सबको समझ आ गया होगा। अब हम जरा इम्प्लांटेशन की तरफ जाते हैं कि इम्प्लांटेशन कैसे होती है। अब देखिए, इम्प्लांटेशन से पहले आपको पता है जो यूट्रस है, मैंने इसकी एनाटॉमी में सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो 3 तरह की लेयर्स होती है, सबको याद होगा कि सबसे आउटर वाली कौन सी होती है, ये वाली सबसे आउटर वाली पेरीमीट्रियम, फिर बीच वाली कौन सी होती है मायोमीट्रियम, फिर सबसे अंदर वाली कौन सी होती है एंडोमीट्रियम। सो एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम 3 लेयर्स होती हैं। आज हमने छेड़ना है एंडोमीट्रियम को, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन है वो एंडोमीट्रियम में होती है, और आपको एक न्यू बात आज बताऊंगा कि एंडोमीट्रियम की मजीद लेयर्स होती हैं। अब देखें, 3 लेयर्स, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड पेरीमीट्रियम। अब अगर हम एंडोमीट्रियम को छेड़ें, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, तो इसकी मजीद 2 तरह की लेयर्स होती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आप ये समझ लें कि ये सारी मैंने क्या ली हुई है, एंडोमीट्रियम ली हुई है, ये हमारा क्या है, ब्लास्टोला है, ब्लास्टोसिस्ट है, तो ये ऐसे ही होता है ना। तो ये आपको क्या पढ़ा हुआ है, ये आपको ब्लास्टोला पढ़ा हुआ है, आउटर सेल मास, इनर सेल मास और फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसी ने आके इधर क्या करना है, इम्प्लांटेशन करना है, कहां पर, एंडोमीट्रियम पर। तो ये आपका ब्लास्टोसिस्ट, ये आ गया ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोला, और ये आपका एंडोमीट्रियम, और एंडोमीट्रियम को मैंने जूम करके उसको मजीद खोल दिया कि इसकी मजीद किस तरह के अंदर की लेयर्स होती है। तो ये अब यहां पे हम देखते हैं कि इम्प्लांटेशन बेसिकली होती कैसे, ठीक है। अब देखें, अब सबसे पहले समझ लें कि एंडोमीट्रियम की मजीद 2 पार्ट्स होते हैं, एंडोमीट्रियम के मजीद 2 पार्ट्स होते हैं। अब एक पार्ट इसका होता है बेसिलस, इसको हम डेसिडुआ बेसिलस बोलते हैं, एक पार्ट इसका होता है डेसिडुआ फंक्शनलिस। अब ये देखें, ये अगर आपकी एंडोमीट्रियम है, ये वाली अगर ये आपकी एंडोमीट्रियम और ये मायोमीट्रियम और ये पेरीमीट्रियम, तो इसमें 2 लेयर्स हैं, किसकी, हमारी मजीद 2 लेयर्स हैं आपकी एंडोमीट्रियम की। तो जो इस तरफ वाली लेयर है, इस तरफ वाली, ये वाला जो पार्ट है इसका एंडोमीट्रियम का, दिस इज कॉल्ड डेसिडुआ फंक्शनलिस, ये वाला, ये यहां से ये वाला सारा डेसिडुआ फंक्शनलिस। और जो इसका इस तरफ वाला जो मायोमीट्रियम की तरफ वाला हिस्सा है, जो मायोमीट्रियम की तरफ वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। तो ये डेसिडुआ बेसिलिस हो गया।
तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लेयर्स इसकी किस तरफ होती है, कि जो अंदर की तरफ होते हैं जहां पे इसने आके अटैच होना होता है, दैट इज दिस वन पार्ट, दिस वन पार्ट इज दिस वन इज कॉल्ड डेसिडुआ फंक्शनलिस, और जो मायोमीटरम की तरफ इसका पार्ट है ये वाला, दिस इज कॉल्ड डेसिडुआ बेसालिस। अभी इनकी थोड़ी सी डिटेल बताऊं कि जो बेसल पार्ट होता है, जो डेसिडुआ बेसालिस है, इसको डेसिडुआ बेसालिस भी बोलते हैं और बेसल पार्ट भी बोलते होते हैं इसको। ये बना होता है स्ट्रेटम बेसिलस सेल्स, मतलब ये किस चीज का बना होता है ये देख लें, इसमें स्ट्रेटम बेसिलस सेल्स होते हैं, ये देखें ये सेल्स बेसिलस सेल्स। अब ये सेल्स बिगर सेल्स होते हैं, क्या होते हैं ये आप देख रहे हैं, बड़े बड़े सेल्स हैं यार, ये बड़े बड़े सेल्स हैं, बड़े बड़े सेल्स हैं, बड़े बड़े सेल्स हैं, बड़े बड़े सेल्स हैं। अब ये सेल्स देखें, पहली बात तो ये सेल्स क्या होते हैं, बिगर सेल्स होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये ग्लाइकोजन और लिपिड से भरे हुए होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, ग्लाइकोजन और लिपिड्स होती है। देखें इसी वजह से इनको हम क्या बोलते होते हैं, स्ट्रेटम बेसिलस सेल्स। स्ट्रेटम बेसिलस सेल्स बेसिकली ऐसे, देखें 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 फिर बता रहा हूं, बेसल पार्ट है, इसका दूसरा नाम है डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है। इसके जो ये जो बने होते हैं, ये बने होते हैं स्ट्रेटम बेसिलस सेल्स से। अब स्ट्रेटम बेसिलस सेल्स की होती है डेसिडुएलेशन। अब डेसिडुएलेशन क्या होती है, डेसिडुएलेशन का मतलब होता है कि ये सेल्स बिगर सेल्स बन जाते हैं, पहले स्मॉल सेल्स होते हैं फिर बिगर सेल्स बन जाते हैं, फिर ये ग्लाइकोजन और लिपिड से भर जाते हैं। जब ये ग्लाइकोजन और लिपिड से भर जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलस सेल्स, और इसी को हम कहते हैं डेसिडुआ बेसिलस या फिर बेसल पार्ट। एक ही चीज है, यूं समझ लें कि बेसल पार्ट है, डेसिडुआ बेसिलस भी बोलते हैं, और इनके जो सेल्स होते हैं, सेल्स का नाम होता है स्ट्रेटम बेसिलस सेल्स, और स्ट्रेटम बेसिलस सेल्स बिग सेल्स होते हैं, ये ग्लाइकोजन और लिपिड से भरे हुए होते हैं, और ये फल्ड एडिशन के लिए मोर सस्टेनेबल होते हैं। दैट्स इट। तो दूसरा जो पार्ट है इसका, ये तो था ये वाला पार्ट, नीचे वाला, यहां पे इम्प्लांटेशन नहीं होनी। अब दूसरा पार्ट जहां पे इम्प्लांटेशन होते हैं, दैट इज डेसिडुआ फंक्शनलिस, ये एपिकल पार्ट है, इसको एपिक, वो बेसल पार्ट था, ये एपिकल पार्ट है। दूसरा इसको डेसिडुआ फंक्शनलिस भी बोलते हैं, और तीसरा इट इज मेड अप ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ डेसिडुआ बेसिलस। अब ये जो डेसिडुआ बेसिलस ये वाले सेल्स हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं, ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, रेप्लिकेट करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, और इधर न्यू सेल्स बना देंगे, ये ब्लैक वाले सारे ये सेल्स बना देंगे। अब इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ फंक्शनलिस। तो इस तरह इसकी दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। और कुछ याद ना रहे तो इतना याद रख लें कि जो एंडोमीट्रियम की जो जो ये वाले लेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड डेसिडुआ फंक्शनलिस, और जो मायोमीट्रियम की तरफ इसका जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डेसिडुआ बेसिलस। बस इतना याद रख लें। और इम्प्लांटेशन कहाँ होनी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन जो है ना, वो एंडोमीट्रियम की डेसिडुआ फंक्शनलिस में होनी है, इस पार्ट में होनी है, और ये नॉर्मल होगा। अगर इम्प्लांटेशन ने इसको इन्वेड कर दिया बेसिलस को, तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है, ये डिजीज होती है, और बड़ी डेंजरस डिजीज होती है। और इस डिजीज के इलाज में आपको आफ्टर आफ्टर डिलीवरी जो है ना, आपको रिमूव करना पड़ता है पूरे यूट्रस को, सही है। तो इम्प्लांटेशन सिर्फ और सिर्फ डेसिडुआ फंक्शनलिस में होनी चाहिए, इम्प्लांटेशन डेसिडुआ बेसिलस में नहीं होनी चाहिए, अगर इधर होगी तो ये कॉम्प्लिकेशन होगी। तो बस अब इतना देख लें कि एंडोमीट्रियम के दो पार्ट्स हैं, डेसिडुआ फंक्शनलिस और डेसिडुआ बेसिलस, और इम्प्लांटेशन कहाँ होगी, डेसिडुआ फंक्शनलिस में होगी। अब आगे देखें, अब ये भी मैंने बता दिया, नॉर्मली ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंड इन्वेड्स द डेसिडुआ फंक्शनलिस, यहां पर ही इम्प्लांटेशन होनी चाहिए सिर्फ। बट इफ ब्लास्टोसिस्ट इन्वेड्स अदर लेयर्स ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, इट लीड्स टू फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन एंड यूजुअली रिक्वायर्स द रिमूवल ऑफ यूट्रस आफ्टर गिवन बर्थ। तो डिलीवरी के बाद आपको रिमूव करना पड़ता है पूरे यूट्रस को, अगर ये डेसिडुआ फंक्शनलिस के अलावा किसी और लेयर को इन्वेड कर गई। तो लेयर्स कितनी होती हैं, बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं, ये आपकी एंडोमेट्रियम होगी, ये आपकी मायोमेट्रियम होगी, ये आपकी पेरीमेट्रियम होगी। अगर अब वो कहते हैं, अगर जो ब्लास्टोला है इसने सिर्फ इसको इन्वेड किया फंक्शनलिस को, ये नॉर्मल है, अगर इसने इसको भी इन्वेड किया और साथ में बेसिलस को भी इन्वेड कर दिया इसको, तो इस डिजीज का एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा इक्रेटा, ये इक्रेटा, प्लेसेंटा इक्रेटा। और अगर ये इन्वेड करे आपकी मायोमीट्रियम को, फिर हम इसको बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रेटा। और अगर ये इन्वेड करे डीपली आगे जाके, ये इवन के आपकी पेरीमीट्रियम को भी इन्वेड कर जाए, दैट इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रक्रेटा। तो ये इसके डिफरेंट नाम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि अगर वो इस लेयर को इन्वेड कर रहा है तो इसको क्या, इस डिजीज का नाम क्या है, इस लेयर को इन्वेड कर रहा है तो देखें, डेसिडुआ बेसिलस को इन्वेड करे तो इक्रेटा, और मायोमीट्रियम को करे तो इनक्रेटा, और अगर पेरीमीट्रियम को करे तो प्रक्रेटा। तो आप यूं कह सकते हैं, पेरीमीट्रियम से पर और मायोमीट्रियम से आप जो है ना इनक्रेटा, और क्योंकि ए पहले आता है और आई बाद में आता है, तो इसलिए आप देख लें कि
पहले जो है ना बेसेलेस आता है, फिर बाद में माय मैटरम आती है, तो जो जो पहले आएगा उसमें पहले ए आएगा, जो बाद में आएगा उसमें बाद वाला आई आएगा, और ये तो पेरिमीटरम से परग्रेटा हो गया। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं एमसीक्यूज के वाले से, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इस वाले से। तो बस अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने कहा इसके दो पार्ट्स हैं, फंक्शनालिस और बेसेलेस। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगी, फंक्शनालिस में। ओके, अगर इम्प्लांटेशन इधर हो गई तो कॉम्प्लिकेशन है, अगर इधर होगी तो इसको एक्रेटा बोलते हैं, और अगर मायोमेट्रम में होगी तो इसको इनक्रेटा बोलते हैं, और अगर पेरीमीटर में होगी तो इसको प्रक्रेटा बोलते हैं। और ये अगर इन तीन पार्ट्स में कहीं पर भी हो गई तो फिर आफ्टर डिलीवरी हमें ये क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। सही है, तो यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो बता दे। अब मैं आगे बताने लगा हूं कि बेसिकली जो इम्प्लांटेशन है वो फिर होती किस तरह है, वो जो इम्प्लांटेशन डेसिड ऑफ फंक्शनालिस में होती है तो ये बेसिकली डीपली होती किस तरह, मैं वो बताने लगा हूं। यहां तक समझ आ गया सबको, चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इम्प्लांटेशन जब होती है ना, तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये वाला आपका ये ब्लास्टोसिस्ट और ये डेसिड ऑफ फंक्शनालिस, तो ये दो तरह की अटैचमेंट बनाता है इसके साथ, ये जो है ये इसके साथ दो तरह की अटैचमेंट बनाता है। पहले बनाएगा लूज अटैचमेंट, फिर बनाएगा टाइट अटैचमेंट। अब लूज अटैचमेंट किस तरह होती है, देखिए सुन ले। सबसे पहले क्या होता है कि आपके ये कौन से सेल्स पड़े हुए हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाले ये सारे, और ये वाले कौन से हैं, ये आपके इनर सेल मास, ये आउटर सेल मास, ये इनर सेल मास, और ये आपकी कैविटी पड़ी हुई है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ब्लास्टोसिस। अब जो आपके आउटर सेल मास है, ट्रोफोब्लास्ट है, इन ट्रोफोब्लास्ट के छोटी छोटी मैक्रोविलाई निकलती हैं, इनकी क्या होती है, छोटी छोटी मैक्रोविलाई, तो इनकी छोटी छोटी मैक्रोविलाई होती हैं किसकी, ट्रोफोब्लास्ट की। और जो आपका डेसिड ऑफ फंक्शनालिस होता है उसके ऊपर भी कुछ तरह की प्रोट्रूडिंग होती है, मतलब प्रोजेक्शंस होती है, उन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं पोनोपोड्स, क्या बोलते हैं, पोनोपोड्स। अब इधर से पोनोपोड्स, ये वाली पोनोपोड्स, और उधर से मैक्रोविलाई, अब ये दोनों आपस में आते हैं और दोनों आपस में मिल जाते हैं, इस तरह आपस में मिल जाते हैं। जैसे ही आपस में मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लूज अटैचमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, लूज अटैचमेंट। अब इसके बाद क्या होती है, इसके बाद होती है स्ट्रांग अटैचमेंट। अब टाइट अटैचमेंट, स्ट्रांग अटैचमेंट दूसरी। अब क्या होगा, अब मजीद क्या होता है, मजीद ये होता है कि आपकी जो है ना, अब पहले क्या निकला, यहां से मैक्रोविलाई और इधर से पेनोपॉड्स, ये लूज अटैचमेंट। अब हम पढ़ेंगे टाइट अटैचमेंट, ये वाली। अब टाइट अटैचमेंट कैसे होती है, अब आपकी जो वही ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट से निकलते हैं इंटेग्रेंस, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इससे प्रोजेक्ट आउट होते हैं, इससे निकलते हैं इंटेग्रेंस, और आपकी जो डेसिड ऑफ फंक्शनालिस होती है इससे प्रोजेक्शन निकलती है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टेंस, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टेंस। ऊपर से इंटेग्रेंस आया और नीचे से सिलेक्टेंस आया, और ये जो सिलेक्टेंस होते हैं ये किस चीज से बने होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, शुगर से, कार्बोहाइड्रेट से, प्लस इनके अंदर कोलेजन भी होती है, इनके ऊपर कोलेजन भी होती है, तो अंदर क्या होगी आपकी, अंदर होगी कार्बोहाइड्रेट्स और ऊपर क्या होगी, कोलेजन होगी, तो ये आपका हो गया सिलेक्टेंस और ऊपर से क्या है, इंटेग्रेंस। अब ये आपस में मिल जाते हैं, इसको हम टाइट अटैचमेंट बोलते हैं। इसके नतीजे में आपका जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उससे कुछ कीमोकाइंस रिलीज होते हैं, अब वो कीमोकाइंस आके मजीद ये जो अटैचमेंट हुई है इसको मजीद स्ट्रांग कर देते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टाइट अटैचमेंट। तो दो तरह की अटैचमेंट हुई, कितनी तरह की, दो तरह की। पहले सुन ले, पहले अटैचमेंट में क्या हुआ, इधर से मैक्रोविलाई आए, इधर से प्रोजेक्शन आई पेनोपॉड्स, ये दोनों आपस में मिले, लूज अटैचमेंट। लूज अटैचमेंट के बाद क्या होता है, लूज अटैचमेंट के नतीजे में जो ट्रोफोब्लास्ट हैं वो इंटेग्रेंस एक्सप्रेस करते हैं, और जो फंक्शनालिस है वो सिलेक्टेंस जो है ना ये एक्सप्रेस करता है। सिलेक्टेंस में क्या होती है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और बाहर से कवर किया होता है कोलेजन ने। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जैसे ही ये आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में ट्रोफोब्लास्ट से कीमोकाइन रिलीज होते हैं, कीमोकाइंस आके ये जो बाइंडिंग है इसको मजीद स्ट्रांग कर देता है। ठीक है, ये जो स्ट्रांग बाइंडिंग बन जाती है इसको हम बोलते हैं टाइट अटैचमेंट। तो ये दो तरह की अटैचमेंट समझ आ गई है, पहली है लूज अटैचमेंट, दूसरी है टाइट अटैचमेंट। तो ये मैं आप बताने लगा हूं कि बेसिकली ये कैसे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, ऐसा ऐसा। तो देखें, मैक्रोविलाई फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अटैच वीकली विद द पिनोपॉड्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द जो के डेसिड ऑफ फंक्शनालिस की प्रोजेक्शंस होती हैं, दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड लूज अटैचमेंट। दूसरी होती है टाइट अटैचमेंट, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स एक्सप्रेस द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इंटेग्रेंस एंड इंटेग्रेंस बाइंड्स विद द सिलेक्टेंस that are carbohydrates containing molecules expressed by decid of functionalis, sometimes selectins are covered with collagen as well, this attachment results in release of chemokines from trophoblast that further stabilize the strong connection between the integrins and selectins, this attachment is called tight attachment। To yahan tak kisi ko samajh nahi aaya to mujhe bataye, otherwise main aage move karne laga hu,
कि इन दोनों अटैचमेंट के नतीजे में आगे फिर क्या होता है, बताएं मुझे। यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो बताएं, अगर समझ आ गया तो फिर भी बताएं ताकि मैं आगे मूव करूं। बताएं जल्दी रिस्पॉन्स क्या करें भाई। चलें जी, समझ आ गया। अब इन दोनों अटैचमेंट के नतीजे में क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो इन्वेड करना शुरू कर देता है किस में, स्ट्रोमल सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, बेसिकली डेसिडुआ फंक्शनालिस। तो ये देखें नीचे, अब ये बिसेलस सेल्स हैं और ये कौन से सेल्स थे, फंक्शनालिस। तो आपको जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो क्या शुरू कर देता है, इन्वेड के अंदर घुसना शुरू हो गया है। अब वो बिसेलस के अंदर घुस चुका है, इस अटैचमेंट के नतीजे में वो बिसेलस के अंदर घुस जाता है जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वो इन्वेड कर गया, अंदर चला गया है आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर, और एंडोमेट्रियम की बेसिकली कौन सी लेयर में, कौन सी लेयर में, डेसिडुआ फंक्शनालिस में, ठीक है, फंक्शनालिस में अंदर चला गया। तो इसको हम बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन जो है ना वो कंप्लीट होने जा रही है। अब पोस्ट इम्प्लांटेशन कि इसके बाद क्या चीज होती है, वीक बाय वीक, वीक वन में क्या होता है, वीक टू में क्या होता है, और वीक थ्री में क्या होता है, इस तरह आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है। अब वीक वन में क्या होता है भाई, सबको ये चीजें पता है, मैंने पहले पढ़ाई हुई है। मैंने क्या पढ़ाया हुआ है कि सबसे पहले मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर ये अंदर घुस गया तो आपके ये ट्रोफोब्लास्ट, फिर मैंने कहा था ट्रोफोब्लास्ट के दो तरह के सेल्स हो जाते हैं। ट्रोफोब्लास्ट, एक सेकंड में डायग्राम बना लेता हूँ। मैंने कहा था ट्रोफोब्लास्ट, ये अगर ट्रोफोब्लास्ट उसके सेल्स हैं बाहर वाले, ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, और ये इनर सेल मास है, ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट। अब जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं ये वाले, मैंने कहा था ये क्या करते हैं, जो इसके दो पार्ट्स बनते हैं, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट एक सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट, कि इनके सेल्स जूना पेलेसुडा से बाहर की तरफ प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं और इस तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, कि इनके जो साइटोप्लाज्म है इनके सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है और साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है, और हर साइटोप्लाज्म में बहुत से न्यूक्लाई भी आपस में मिल जाते हैं, तो इनको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाती है, आपकी सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट। ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट। और इन्हीं सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट के नीचे इस तरह तरतीब में सेल्स पड़े होते हैं बेस में, दैट आर कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट। इनको हम क्या बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते होते हैं। अब होता क्या है, और यहां पर आपकी क्या होगी, ये आपके इसमें एंटर हो चुका है आपकी एंडोमेट्रियम की, ये यहां तक हो गया आपका फंक्शनालिस, ये फंक्शनालिस, और फंक्शनल से आगे ये आपके बिसेलिस, ये वाले सेल्स हो गए। समझ आ रहा है भाई। अब लेट मी चेंज द कलर। अब होता क्या है, फिर वही चीज, सेम चीज, कि ये जो आपके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट, ये दो काम करेगा। पहला काम ये क्या करेगा, ये जो है ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है ना रिलीज करता रहेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जाएंगे और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जाके आगे रास्ता बनाते जाएंगे, के रास्ता बनाते जाएंगे, और ये प्रोजेक्शंस आगे मूव करती जाएंगी, प्रोजेक्शंस आगे मूव करती जाएंगी, आगे मूव करती जाएंगी, और आगे क्या पड़ी होंगी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स पड़ी होंगी, है ना, मैंने कहा था ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, तो ये आगे मूव करते जाएंगे और ब्लड वेसल के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह जो ब्लड है वो यहां से आगे मूव करना शुरू कर देगा और ब्लड जो है ना वो फीटस को डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। पहला काम तो ये करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। दूसरा काम ये क्या करते हैं, दूसरा काम मैंने कहा था कि ये बीटा एचसीजी हार्मोन रिलीज करते हैं एट द डे 24। तो जो बीटा एचसीजी हार्मोन होता है ये कार्पस ल्यूटम को क्या करता है, मेंटेन रखता है। जब कार्पस ल्यूटम मेंटेन रखता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है तो आपको ब्लीडिंग नहीं होती, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया था। अब पहले मुझे ये बताएं कि ब्लीडिंग होती क्यों है। देखें, लेट्स सपोज दैट ये एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं, ये एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं, इसको कुछ ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही है, ये ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब जैसे ही जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो तो ये जो ब्लड वेसल इस एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई कर रही है ये स्पाज्म कर जाती है, सुकड़ जाती है, इसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब ये स्पाज्म करेगी, सुकड़ेगी, तो क्या आपके एंडोमेट्रियम को ब्लड की सप्लाई होगी, नहीं होगी। ब्लड की सप्लाई जब डिक्रीज होती है तो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं भाई, मर जाते हैं। जैसे एंडोमेट्रियम के सेल्स डाई करते हैं तो वो शेड अप होता है और आपको क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। फीमेल को क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब हमने क्या किया, हमने जो है ना कार्पस ल्यूटम को मेंटेन रखा, कैसे, बीटा एचसीजी हार्मोन सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट ने रिलीज किया, उसने कार्पस ल्यूटम को मेंटेन रखा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा तो क्या ये स्पाज्म होगी, नहीं, अब तो वेजोडाइलेशन रहेगी, अब तो वेजोडाइलेशन रहेगी और ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली होती रहेगी एंडोमेट्रियम को। जब प्रॉपरली एंडोमेट्रियम को ब्लड की सप्लाई होती रहेगी तो क्या वो डाई होंगे, नहीं। क्या ब्लीडिंग होगी, नहीं। तो वो डाई नहीं होंगे, शेड ऑफ नहीं होंगे, स्लफ ऑफ नहीं होंगे। तो इस तरह प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है कि आपके जो है ना वो जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियम के वो क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, उनकी शेडिंग नहीं होगी। तो ये आपका वीक वन में होता है। तो ये तो सबको पता था पहले से।
अब दूसरा क्या होता है इसी दौरान, और क्या हो रहा होता है? ये तो हो रहा था आउटर सेल मास के साथ, इसी दौरान इनर सेल मास के साथ क्या हो रहा होता है? इसी दौरान सिंपल से कि इनर सेल मास क्या बना रहा होता है, दो लेयर्स, एपिब्लास्ट, हेपोब्लास्ट। अब एपिब्लास्ट के ऊपर क्या होती है, एमनियोटिक कैविटी, और हेपोब्लास्ट के नीचे क्या होती है, प्राइमरी ऑक सैक। तो ये सबको पता है, तो ये वही चीजें हो रही है कि आउटर सेल मास से क्या बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट, फिर ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट। सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करता है ताकि ब्लड वेसल तक वो आगे इन्वेड कर सके, आगे ये प्रोजेक्शन मूव कर सके, आगे की तरफ ये प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और दूसरा बीटा आईसीजी हार्मोन कार्पोसिटम को मेंटेन रखेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे और ब्लीडिंग ना हो। इनर सेल मास से क्या बनते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट से क्या बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और हमने इन तीन चीजों से किस तरह कौन कौन सी बॉडी के पार्ट्स बनते हैं वो हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो बताया मुझे, जिसको ये समझ नहीं आया वो मुझे बताया यहां तक। देखें सबसे पहले क्या होगा, लूज अटैचमेंट। पहले तो हमने ये देखा कि इम्प्लांटेशन होगी कहां पर, फंक्शनलिस में होगी, बेसेलिस में नहीं होगी। अगर बेसेलिस में हो आगे हो तो क्या उसकी काजेज बनती है वो हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि होगी कैसे, पहले लूज अटैचमेंट, फिर टाइट अटैचमेंट, फिर टाइट अटैचमेंट के बाद फिर क्या होगा, फिर इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि आपका क्या होता है, ब्लास्टोलाइज इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम, कुछ सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के जो है ना वो प्रोलिफरेट करते हैं ज़ोनाप्लास्टिडा से बाहर और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं। इट फॉर्म्स अ फ्लूइड फिल्ड साइटोप्लाज्म विच कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लाई ऑफ द सेल्स एंड सेल फ्यूज, इनके कोई वेल डिफाइंड मार्जिन नहीं होते, फ्यूज साइटोप्लाज्म मिल जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट। और इसकी बेस में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पड़ी होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के बेस में क्या पड़े होते हैं, कुछ सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के जिनके सेल मेम्ब्रेन भी होती है, वेल डिफाइंड मार्जिन भी होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रॉपर होता है, उसको हम साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट इसके अंदर अंदर की तरफ, ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं वो इन प्रोजेक्शंस के अंदर ऐसे प्रोलिफरेट करते जाते हैं, ऐसे, ये मैंने बताया हुआ पहले भी, इसके अंदर ऐसे प्रोलिफरेट करते जाते हैं, सही है। अब कहां पे गया, हाँ जी, अब सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट दो काम करता है, पहला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा ताकि एंजाइम जो है ना वो उसको आगे रास्ता बनाते जाए, यूट्रल लाइनिंग को डैमेज करते जाए और जो आपका मेटरनल ब्लड वेसल्स है उन तक पहुंच जाए और डीपर पहुंच जाए और एंडोमेट्रियम से जो ब्लड है वो वहां से इजीली वो वहां से रिटेन कर सके। तो इस तरह जो है ना एम्ब्रियो से हम ऑक्सीजन और सारी चीजें वो हासिल करते हैं। उसके बाद डे 24 पे क्या होता है, सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट बीटा एसीजी हार्मोन रिलीज करता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। दिस पार्ट इज सस्टेनेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, सर इस लाइन की समझ नहीं आई, ये फर्टिलाइजेशन के लिए सस्टेनेबल होता है, बस ये वाला पार्ट जो है ना फर्टिलाइजेशन के लिए सस्टेनेबल होता है, ये याद रख लें बस, इस तरह के एमसीक्यूज बस। विच स्टिमुलेट्स द कार्पस ल्यूटम टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन इन नॉर्मल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्राइन ब्लड, नॉर्मल क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्राइन ब्लड वेसल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो ब्लड वेसल्स स्पाज्म करेगी, इस्कीमिया होगा सराउंडिंग टिश्यूज ऑफ एंडोमेट्रियम का, तो इस्कीमिया वो रप्चर करेगा, स्लफिंग ऑफ होगी एंडोमेट्रियम की, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। लेकिन अगर हम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज रखें कार्पस ल्यूटम से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो जो शेडिंग है वो नहीं होगी, तो मेंस्ट्रुअल आपकी जो प्रेगनेंसी वो मेंटेन रहेगी। और एम्ब्रियोब्लास्ट, ये तीन चीजें ये बन जाती हैं, एपिब्लास्ट, हेपोब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी और प्राइमरी ऑक सैक। यार ये पुरानी वाली चीजें हैं, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये पुराने वाली चीजें हैं। समझ आ गई है कि पहले लूज अटैचमेंट, फिर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, फिर ये सारी चीजें कि किस तरह प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होते हैं, सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट बीटा एसीजी हार्मोन रिलीज करता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी रिलीज करता है। समझ आ गया भाई, ये फर्स्ट वीक में होता है, मुझे रिस्पॉन्स करें फिर मैं आपको बताऊं कि डे 9 में और आगे मूव करें और आगे क्या होता है। अब आपको जरा न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी, बताया मुझे, ये समझ आ गया, चलें जी, गुड हो गया। अब डे 9 पे क्या होता है, अब इस डायग्राम पे आपने फोकस करना है, डे 9 पे क्या होता है, वो कहते हैं जी सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये तो आगे इन्वेड करती जा रही हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, वो आगे जगह बना रहे हैं और ये आगे मूव करता जा रहा है, आगे मूव करती जा रही है, आगे मूव करती जा रही है, ये आगे तो मूव करती जाती है। लेकिन अगर ये एक प्रोजेक्शन ये है, एक प्रोजेक्शन ये है, इनके बीच में कुछ स्पेसिस बन जाती है, क्या बन जाती है, स्पेसिस बन जाती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, वो कहते हैं इन स्पेसिस को हम क्या बोलते होते हैं, ल्यूकोनाए, क्या बोलते हैं, ल्यूकोनाए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा ये जो आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये आगे मूव करती जाएगी, मूव करती जाएगी, मूव करती जाएगी, तो इनके दरमियान में ये स्पेसेस बन जाती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के दरमियान में, इन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोनाए बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि आपका सिंथेटोट्रोफोब्लास्ट जो है ना प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है, लेट मी चेंज द कलर, क्या रिलीज करता है भाई, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है।
वो प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स क्या करती हैं कि इधर जो ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, जो ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, उन ब्लड वेसल्स को इन्वेड करता है और रप्चर करता है। तो ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं जो मदर की एंडोमेट्रियम को सप्लाई कर रही होती है। जब ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी तो उनसे ब्लड निकलेगा और ब्लड आके इन स्पेसेस के अंदर, इन ल्यूकोना के अंदर डिपॉजिट करेगा। जब ब्लड इनके अंदर आके डिपॉजिट करेगा, अब ये स्पेसेस थी और इनके अंदर ब्लड आ गया, इनको हम एक न्यू नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरविलस स्पेसेस फिल्ड विद ब्लड। अब ये इंटरविलस स्पेसेस बन जाएंगी जो कि ब्लड से भरी हुई होगी। तो ये आपके डे 9 पे ये वाला प्रोसेस होता है। देखें, द सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट कंटिन्यूज टू इन्वेड थ्रू द स्ट्रोमल टिश्यूज एंड फॉर्म्स स्पेसेस ऑफ स्ट्रोमल टिश्यूज बिटवीन इट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो जिनको हम ल्यूकोनाई बोलते हैं, ये वाली। These projections are called leukonai. Synthetic trophoblast also releases proteolytic enzymes that break down the blood vessels supplying the endometrium. जब वो ब्रेक डाउन होती है तो ब्लड वहां से निकलता है और सीप करता है, आके ल्यूकोनाई में बैठ जाता है। तो ल्यूकोनर स्पेसेस आर फिल्ड विद ब्लड। अब इसको हम बोलेंगे इंटरविलस स्पेसेस। तो ये आपके डे 9 पे ये वाला प्रोसेस होता है। तो डे 9 समझ आ गया भाई? बताया जी, डे 9 समझ आ गया सबको कि नहीं समझ आया? सिंपल सा ओके जी, समझ आ गया। सिंपल सा ये याद रखना है कि ये प्रोजेक्शंस आगे मूव करेंगे, दरमियान में स्पेसेस होंगी, इनको हम ल्यूकोनाई बोलेंगे। अब इन स्पेसेस, अब प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स आएंगे सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट से, वो ब्लड वेसल्स को रप्चर करेंगे, यहां से ब्लड निकलेगा और इन स्पेसेस में आकर फिल्ड अप हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आप इंटरविलस स्पेसेस फिल्ड विद ब्लड। अब इतना कुछ हो गया और बाकी आपको पता है कि ये जो ये वाली जो ब्लू वाली है और ये जो प्रोजेक्शन है, जैसे क्या है, सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो ग्रीन वाली है साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये एमनियोटिक कैविटी, ये प्राइमरी यॉर्क सैक, और ये आपकी दो लेयर्स पड़ी हुई है, कौन सी, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ये सबको पता है। अब याद करें जरा कि तीन लेयर्स बनी थी भाई एम्ब्रियोब्लास्ट में, एम्ब्रियोब्लास्ट में कि एपिब्लास्ट ने क्या किया था, ऊपर वाली एक्टोडर्म, मेसोडर्म और क्या बना दिया था, एंडोडर्म बना दिया था एपिब्लास्ट ने, एपिब्लास्ट ने, याद आ रहा है? और जो मेसोडर्म थी उसकी मजीद दो लेयर्स थी भाई, एक बाहर वाली सोमैटिक और एक अंदर वाली, एक बाहर वाली सोमैटिक थी और एक अंदर वाली कौन सी थी, स्प्लेनिक, इसी तरह की थी ना, दो लेयर्स थी। अब लेकिन वो कौन सी थी, वो थी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, कि वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी। अब हम एक और बनाते हैं उसी तरह की, अब भी हम मेसोडर्म लेयर बनाएंगे लेकिन एक और मेसोडर्म लेयर। अब डे 12 पे क्या होता है, डे 12 पे सबसे पहली चीज की जो इंटरविलस स्पेसेस है, ये मजीद ब्लड से भरती है और इनके नंबर भी बढ़ते हैं, इनके नंबर भी बढ़ जाते हैं और ये मजीद ब्लड से भर जाती है। पहली चीज ये होती है डे 12 पे। दूसरा क्या होता है, उस वक्त एपिब्लास्ट ने क्या बनाया था, याद आ रहा है जरा? एपिब्लास्ट ने मेसोडर्म बनाई थी भाई, और मेसोडर्म के दो पार्ट्स थे, एक सोमैटिक जो कि बाहर वाला था और एक अंदर वाला स्प्लेनिक। लेकिन वो वाली जो मेसोडर्म थी वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी, कौन सी थी, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब दूसरी, एक तो एपिब्लास्ट लेयर थी, दूसरी थी हाइपोब्लास्ट लेयर, उसने अभी तक कुछ नहीं किया था। आज हम देखते हैं कि ये क्या करती है, हाइपोब्लास्ट लेयर क्या बनाती होती है भाई, हाइपोब्लास्ट लेयर भी मेसोडर्म ही बनाती होती है, लेकिन ये जो मेसोडर्म बनाती होती है उसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते होते हैं। जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है वो फीटस की एम्ब्रियो बनाने में काम आती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बनाने में काम आती है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है जो कि हाइपोब्लास्ट से बनती है, ये प्लेसेंटा बनाने के काम आती है। दैट्स इट, ये आपने याद रखना है। अब देखें, अब गौर से आपने इस डायग्राम पर फोकस करना है, सही है? अब यह समझ आ गया ना कि एपिब्लास्ट से इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जैसे जो है ना वो बनता है, आपकी बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, और आपकी हाइपोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, बाकी इनके पार्ट्स सेम होंगे कि उसकी आउटर लेयर सोमैटिक थी तो इसकी आउटर लेयर भी सोमैटिक होगी, उसकी इनर लेयर स्प्लेनिक थी तो इसकी इनर लेयर भी स्प्लेनिक होगी। बस फर्क यह होगा कि वो होगी सोमैटिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और ये होगी सोमैटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसकी लेयर होगी। अब देखें, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट, ये एम्ब्रियोनिक कैविटी, ये प्राइमरी यॉर्क सैक। अब क्या होगा, अब वो कहते हैं, और ये ऊपर वाली एपिब्लास्ट, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट, वो कहते हैं अब हाइपोब्लास्ट, अब ये जो नीचे वाली हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है प्राइमरी यॉर्क सैक, कुछ बुक में लिखा हुआ है प्राइमरी यॉर्क सैक, लेकिन वैसे हाइपोब्लास्ट होता है। हाइपोब्लास्ट क्या करेगा, ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज बना देते हैं, क्या बना देते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज। मैं जरा जूम कर रहा हूं कि आपके ये जो हाइपोब्लास्ट है या फिर प्राइमरी यॉर्क सैक, ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं।
वो कनेक्टिव टिश्यूज कहाँ बनाते हैं? वो कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं आपकी ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये जो आपकी एमनियोटिक कैविटी और प्राइमरी यॉर्क सैक है, यानी इस वाली लेयर, इस वाली लेयर, आई एम सॉरी, ये लेयर और आपकी ये वाली लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट है और अंदर वाली लेयर किसकी है? एमनियोटिक कैविटी की और प्राइमरी यॉर्क सैक की। इनके दरमियान में ये वाली जगह, लेट मी चेंज द कलर, ये वाली जो ग्रीन से मैं भर रहा हूं, इस जगह पर वो एक और कनेक्टिव टिश्यूज बना देते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज कहां से बनते हैं? हेपोब्लास्ट से या फिर प्राइमरी यॉर्क सैक से। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज बन गए, ये वाले कनेक्टिव टिश्यूज, किन के बीच में? साइटोट्रोफोब्लास्ट और एमनियोटिक कैविटी और प्राइमरी सॉक की जो लेयर है उनके दरमियान में। ये जो बन गई है ये कनेक्टिव टिश्यूज, इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एपिब्लास्ट से बन रही थी और वो इधर ही बन रही थी अंदर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, अब वो इसलिए उसको हम बोलते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब ये क्या बन रही है, ये कहां से बन रही है? ये एपिब्लास्ट से बन रही है या प्राइमरी यॉर्क सैक से बन रही है और साइटोट्रोफोब्लास्ट और एमनियोटिक कैविटी और इसके दरमियान में बन रही है ये वाली, और ये अंदर नहीं बन रही, ये बाहर बन रही है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये समझ आ गया है कि डे 12 पे इस तरह आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनती है। तो देखें, द हेपोब्लास्ट एंड द प्राइमरी यॉर्क सैक अकॉर्डिंग टू द सम बुक्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कनेक्टिव टिश्यूज अंडर द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड अबव द एमनियोटिक एंड प्राइमरी यॉर्क सैक, इसके ऊपर और इनके बीच में। दिस कनेक्टिव टिश्यूज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बाद में जाके कोरियोन बनती है। कोरियोन क्या होता है कि जो प्लेसेंटा का जो फीटल पार्ट होता है, प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं ना, एक फीटल पार्ट और एक मदर पार्ट, जो फीटल पार्ट होता है उसको हम कोरियोन बोलते होते हैं। तो ये बाद में आगे जाके कोरियोन बनता है जो कि फीटल पार्ट और प्लेसेंटा होता है। तो भैया समझ आ गई है? तो देखें, बताएं मुझे समझ आ गई कि नहीं समझ आई, रिस्पॉन्स करें मुझे भाई। डॉक्टर जरात, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा आज। चले, डॉक्टर सदाम को ही समझ आ रहा सिर्फ। देखें, सबसे पहले लूज अटैचमेंट, फिर उसके बाद टाइट अटैचमेंट, फिर टाइट अटैचमेंट के बाद क्या होता है कि सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट आगे मूव करेगा, फिंगर लेग प्रोजेक्शन बनाएगा, उसके नीचे आपकी फिंगर लेग प्रोजेक्शन के बेस में आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट पड़ी होगी, फिर वो फिंगर लेग प्रोजेक्शन दो काम करेगी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के जरिए आगे मूव करती जाएगी, ब्लड वेसल तक जाएगी, और दूसरा बीटा एसीजी हार्मोन के जरिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करेगी ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन हो, और इधर से आपकी हेपोब्लास्ट और ये एमनियोटिक कैविटी वाली चीजें बन जाएंगी। डे 9 पे क्या होता है कि ये आगे मूव करेगा, बीच में स्पेसेस रह जाएंगी, ल्यूकोनाय से अब सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट से प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जाएंगे जो कि ब्लड वेसल्स को रप्चर करेंगे, ब्लड आके इनको फिल करेगा, जो इंटरवेलर स्पेसेस बन जाएगा फिल्ड विद ब्लड। फिर डे 12 पे ये इंटरवेलर स्पेसेस मजीद बढ़ेंगी नंबर में और मजीद ब्लड डिपॉजिट होगा, और साथ में क्या होगा कि अब आपकी जो है ना, आपकी जो प्राइमरी यॉर्क सैक है या हेपोब्लास्ट है, ये कनेक्टिव टिश्यूज बनाएंगे किसके बीच में? साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये जो लेयर है इनके दरमियान में इधर कनेक्टिव टिश्यू बनेगी, और इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। और जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी वो एपिब्लास्ट से बनी थी और ये यहां अंदर बनी थी, वो ठीक है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म के दरमियान में बनी थी, वो थी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में इंट्रा एम्ब्रियोनिक। ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये जो लेयर है एम्ब्रियोनिक कैविटी और प्राइमरी यॉर्क सैक की, इनके दरमियान में ये बनी है, सही है, और इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। अब डे 13-14 पे क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, फिर कल हम वीक 3 से कल हम देखेंगे, सही है, क्योंकि जरा वो बर्डन बन जाए आप लोगों के लिए। अब द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, अब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कौन सी थी? ये वाली, ये दरमियान वाली। अब ये सेंटर से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, यहां से इसके सेल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं, दरमियान से इसके सेंटर से सेल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं। जब ये दरमियान से डाई होते हैं तो इसकी फिर दो लेयर्स बन जाती हैं, एक यहाँ बाहर वाली लेयर, क्योंकि दरमियान से सेल डाई हो गए तो एक बाहर वाली लेयर बन जाएगी, एक ये अंदर वाली इधर लेयर बन जाएगी, लेकिन दरमियान में जो सेल्स हैं वो डाई हो जाएंगे। अब दरमियान में सेल्स डाई, एक बाहर वाली लेयर, एक अंदर वाली लेयर, और यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का एक स्टॉक बन जाता है बस इस तरह का। तो देखें इसको मैं नीचे कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखें इसको गौर से देखें। देखें यहाँ पर ये दरमियान वाले सेल्स डाई हो गए, दरमियान वाले सेल्स डाई हो गए, और एक ये बाहर वाली लेयर बन गई, एक ये अंदर वाली लेयर बन गई, और ये एक स्टॉक बन गया। तो इस तरह की इसकी चार चीज़ें बन जाती हैं। तो ये चार चीज़ें कौन कौन सी होती हैं इसको ये मैं बताता हूँ, वैसे आपको आती हैं कि जो बाहर वाली लेयर है ये वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है, ये सॉरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक अब आपकी मेसोडर्म है। अब इसकी बाहर वाली लेयर कौन सी होगी? सबको पता है सोमेटोप्लोरिक लेयर होगी, लेकिन कौन सी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। वो अंदर वाली जो थी, ये जो अंदर थी एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में, वो थी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसकी भी बाहर वाली लेयर सोमेटिक लेयर थी, इसकी भी बाहर वाली लेयर सोमेटिक लेयर है, लेकिन ये सोमेटिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है।
और जो इसकी अंदर वाली है, ये वाली, ये है आपकी स्प्लेनिक प्लोरिक लेयर और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, ओके। और ये वही आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओके। और ये आपकी वही इंटरवेलर स्पेसेस, ओके। और अच्छा हाँ, ये दो चीज, इसकी चार चीजें बनी है ना, ये आउटर लेयर, इसको हम बोलेंगे सोमेटिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, अंदर वाली लेयर ये इसको हम स्प्लेनिक बोलेंगे। ये जो स्टाक बना है, ये स्टाक क्या करता है, ये आपकी स्प्लेनिक और जो सोमेटिक लेयर उन दोनों को मिलाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग स्टाक। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग स्टाक। ये कनेक्टिंग टिश्यूज का बना होता है। उसके बाद ये दरमियान से जो सेल्स डाई हो गए थे, तो दरमियान में तो कैविटी बन जाएगी, है ना, कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेलोम। याद करें, जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक की एक कैविटी बनी थी दोनों लेयर्स के दरमियान में, उसको हम बोलते थे इंट्रा एम्ब्रियोनिक सेलोम, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेलोम, ओके। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेलोम जो है ना, वो दो लेयर्स के दरमियान में होती है, वही बात, सोमैटिक और मेसोडर्म। लेकिन ये किसके दरमियान में होगी? सेरेब्रोब्लास्ट और एम्ब्रियोनिक कैविटी और प्राइमरी ऑक्सैक। जो कि आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सेलोम होती है, वो भी सोमैटिक और स्प्लेनिक के दरमियान में होती है, लेकिन उसके ऊपर नीचे एपिब्लास्ट, सॉरी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है, ओके। अब इसकी रीडिंग देखें। अब इसकी डे 13 पे क्या हुआ कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन इन द सेंटर, इट फॉर्म्स टू लेयर्स एंड अ कैविटी बिटवीन देम। सोमेटिक प्लोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, इट इज टुवर्ड द ट्रोफोब्लास्ट, ये बाहर ट्रोफोब्लास्ट की तरफ है, बाहर ट्रोफोब्लास्ट पड़ा हुआ है ना, ये साइनोट्रोफोब्लास्ट और थैंथेसी ट्रोफोब्लास्ट, तो ये ट्रोफोब्लास्ट की तरफ, ये वाली लेयर। और दूसरी स्प्लेनिको प्लोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इट इज टुवर्ड द एम्ब्रियोनिक कैविटी एंड प्राइमरी ऑक्सैक। इन दोनों के दरमियान में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेलोम होती है, इट इज, ये एम्प्टी स्पेस होती है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और ये बाद में जाके क्रोनिक कैविटी बनती है। क्या बनती है? क्रोनिक कैविटी। क्रोनिक कैविटी में आगे बताता हूँ क्या होती है। अब द कनेक्टिंग स्टाक होता है, स्टाक ऑफ द सेल्स दैट कनेक्ट्स द टू लेयर्स ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये दोनों लेयर्स को मिलाता है, आपकी सोमैटिक और स्प्लेनिक को। अब डे 13-14 पे एक और चीज होती है, वो कौन सी होती है कि साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड फॉर्म प्राइमरी। अब देखें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये आपकी फिंगर, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी मेक सम प्रोमिनेंट, समथिंग प्रोमिनेंट, ये आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओके। और ये आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरफ, ऐसे 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 ये ग्रो होना शुरू होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरफ। ये जो ग्रो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरफ, इनको हम बोलते हैं क्रोनिक प्राइमरी विलस, क्रोनिक प्राइमरी विलस। अब क्रोनिक प्राइमरी विलस क्या करते हैं, ये वही बात है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या है, सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट, तो वो सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट को क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं, और सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट को इन्वेड करके इससे बाहर निकल जाते हैं। ये देखें, ये बाहर निकल गए और बाहर निकलकर आउटर एक शेल बना देते हैं, ये वाला, ये ग्रीन वाला नजर आ रहा है कि ये प्रोजेक्शंस ऐसे गई और ये इन ये ऐसे गई साइटोट्रोफोब्लास्ट, और सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट की प्रोजेक्शन से बाहर निकली और बाहर निकल के ये देखें, ये शेल बना रही है, ये शेल बना रही है, ये शेल बना रही है, तो इसी तरह ये सारा ऐसे शेल बना देगी, ये ऐसे शेल बना देगी, ये ऐसे शेल बना देगी। ये जो शेल बनता है इसको हम बोलते हैं आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर, ये लिखा हुआ आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल। तो ये आपके डे 13 और डे 14 में यहां तक का प्रोसेस हो रहा होता है। तो फिर सुन ले, डे 13 डे 14 में क्या होता है कि सबसे पहली चीज अंदर से डाई हो गए तो कैविटी बनेगी, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेलोम, आउटर वाली लेयर सोमैटिक लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की, और अंदर वाली लेयर स्प्लेनिक लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की, और एक कनेक्टिंग स्टाक बनेगा और प्राइमरी विलस बनेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट से, ये इन्वेड करेंगे इससे बाहर निकलेंगे और एक शेल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल बन जाएगा, तो जो कि इन इंटरवल स्पेसेस को सराउंड कर लेंगे, ऐसे ना, ये इंटरवल स्पेस उसको ये सराउंड कर लिया, सराउंड कर लिया, सराउंड कर लिया, सराउंड कर लिया। अब कुछ समझ नहीं आया तो बताएं मुझे, अदरवाइज मैं सारा बता देता हूँ जल्दी से कि क्या हुआ। पहले तो ये फर्टिलाइजेशन कैसे हुई और फिर क्लीवेज कैसे हुई, कैसे मूव करके आपके यहां तक पहुंचा, कैसे आउटर सेल मास इनर सेल मास बने, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन के पास पहले लूज अटैचमेंट हुई, इम्प्लांटेशन होगी कहाँ पे, डेसिडुआ फंक्शनालिस में होगी, बेसेलिस में नहीं होगी, होगी तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन है। फिर लूज सबसे पहले लूज अटैचमेंट होती है, फिर टाइट अटैचमेंट होती है, फिर उसके बाद क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट बाहर मूव करेगा, फिर उसके बाद नीचे साइटोट्रोफोब्लास्ट पड़े होंगे और सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट से हमने कहा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे जो उसको आगे इन्वेड करने के हेल्प करेंगे, फिर बीटा ईसीजी जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। फिर उसके बाद डे 9 पे क्या होता है कि ये आगे प्रोजेक्शन जाएंगे, बीच में स्पेसिस ल्यूकोनाई में प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स इधर से रिलीज होंगे और ब्लड वेसल्स को रप्चर करेंगे, ब्लड फिल्ड होगा, क्या बनेगा, इंटरवेलर स्पेसिस बनेगी।
फिर डे 12 पे क्या होगा कि इंटरवल स्पेसिस नंबर में बढ़ेंगी और मजीद ब्लड इसमें भरेगा। और दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा हमने कहा कि आपकी प्राइमरी ऑक्सैक या फिर हैपोब्लास्ट से क्या बनती है आपकी ये वाली कनेक्टिव टिश्यू इन बिटवीन द सेरेट्रोफोब्लास्ट और आपकी ये एम्ब्रियोनिक कैविटी ऑक्सैक के इर्द गिर्द, यहाँ इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलेंगे। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दरमियान से टूटना शुरू हो जाती है और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलूम बना देगी। फिर ये आउटर लेयर इनर लेयर ये कनेक्टिव स्टॉक और ये प्राइमरी विलस जो कि इन्वेड करेंगे और बाहर जाकर ये शेल बना देंगे आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल जो कि आपके इंटरविलस स्पेस को क्या कर लेंगे ऐसे सराउंड कर लेंगे ऊपर से, ये ऐसे सराउंड ऐसे सराउंड। तो ये हमने आज पढ़ा डे 13 डे 14। कल इंशाल्लाह हम वीक 3 से स्टार्ट करेंगे कि वीक 3 में और आगे जो है ना वो चीज़ें किस तरह जाती है और कल इंशाल्लाह हमारी जो है ना ये सारी कंप्लीट हो जाएगी प्रोजेक्शन। ओके जी, किसी को समझ ना आया हो तो कोई क्वेश्चन पूछें, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। बताएं मुझे डॉक्टर जुबैर, आप बताएं जरा आपको समझ आई है आज कुछ? डॉक्टर जुबैर आर यू हेयर? डॉक्टर जुबैर चलें जी आगे सबको समझ। ओके जी, क्लास डिसमिस।